हेलो, नमस्कार। और आप सुन रहे हैं फिर से एक बार कृतिका को। आजकल अक्सर ये सुनने को मिलता है कि कहाँ अब वो पहले जैसा प्यार और आशिकी, सब कुछ बदल गया है। मगर मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि प्यार मोहब्बत कभी बदलते नहीं। हाँ, शायद तरीके बदले हो, मगर वो एहसास अब भी वही है। आज भी एक दूसरे के लिए तड़प वैसी ही है, धड़कनों की बेचैनी वैसी ही है, याद करके मिलने की ख्वाहिश वैसी ही है। जहां बातें करना सहज है, वहां आज भी हम एक दूसरे से बात करने के लिए तरस जाते हैं। जहां मिलना मिलाना आसान है, वहां आज भी हम एक दूसरे को पल भर देखने को तरसते हैं। उससे महबूब की गली के चक्कर काटना, एक नजर मुझे देख या बिना देखे ही घर के सामने से यूं ही गुजरना, आज भी सुकून देता है। और उसे छुपके देखना, कभी सामने से नहीं तो पीछे से ही सही, उतने में भी मैं खुश हो जाया करती हूँ। आजादी है आजकल सबको मनमर्जी जीने की, मगर मोहब्बत करने की पाबंदी आज भी है। मोबाइल मैसेजेस वॉइस नोट होकर भी मुझे चिट्ठियां भेजना पसंद है, तो उसे उन्हें पढ़ना, जवाब भी अगर उसकी चिट्ठी से ही मिले तो क्या बात है। और मुझे उसी का इंतजार होता है, मेरी खुशबू को महसूस कर वो मुझे करीब पाता है। ठीक वैसे ही मेरी कानों में गूंजती उसकी आवाज मुझे उसके पास होने का एहसास दिलाती है। मुलाकातों के सिलसिले वैसे तो कम ही है, क्योंकि कमबख्त जमाने का पहरा आज भी है। लेकिन इतनी दूरियों के बावजूद भी हम हर वक्त हर पल साथ हैं। मोहब्बत का ये दौर है बड़ा खूबसूरत। चाहत के इस इम्तिहान को पार कर हमें सिर्फ एक दूसरे का हो जाना है, एक दूसरे में ही खो जाना है। तो सुनिए, प्यार मोहब्बत आज भी वही है, और हम आज के जमाने में भी 1900 वाली आशिकी की तरह उसे जी रहे हैं। दिल नए से धड़कते हैं, मगर दिल लगी वही पुरानी है। शुक्रिया।